हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। तो एपी में हम लोग एंथ टर्म या जनरल टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और मैंने आज होमवर्क दिया था, मैंने आज टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जिसमें से जो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो होमवर्क मुझे सेंड किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर दिए हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो उससे रिलेटेड ही हम आज एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर हम 1 अभी सॉल्व करते हैं, और फिर इसे रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 16th टर्म इज 82 फुल स्टॉप। फाइंड द 32 टर्म्स एंड द जनरल टर्म। ओके सॉल्यूशन। द लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवेन एपी। लेट द एपी बी a1, a2, a3 ... an। आगे भी डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो इट इज गिवेन दैट t10 इक्वल टू 52 एंड t16 इक्वल टू 82। तो दिस इंप्लाई, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ लिखा, दिस इंप्लाई a प्लस इन ब्रैकेट 10 - 1 ब्रैकेट क्लोज डी इक्वल टू 52 एंड ए प्लस इन ब्रैकेट 16 - 1 इंटू डी इक्वल टू 82। तो दिस इंप्लाई ए प्लस 9d इक्वल टू 52 इक्वेशन नंबर 1 और ए प्लस 15d इक्वल टू 82 इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर सॉल्व करके यहाँ से ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग नहीं सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो ए प्लस 15d इक्वल टू 82 और ए प्लस 9d इक्वल टू 52। ओके सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल होके ये 0 हो गया। और यहाँ 15d और -9d प्लस के कितना है 6d इक्वल टू 82 - 52, तो कितना आया 30। तो 0 + 6d इक्वल टू 30। तो दिस इंप्लाई 6d इक्वल टू 30। तो देयरफॉर d इक्वल टू 30/6। तो देयरफॉर d इक्वल टू 5। फिर मैंने d निकाल लिया तो a निकालेंगे। तो यहाँ लिखा पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो दिस इंप्लाई a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। तो दिस इंप्लाई a प्लस 9 इंटू 5 45 इक्वल टू 52। तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू 52 - 45। तो दे आर फॉर ए इक्वल टू 7। तो हमने ए डी एंड ए फाइंड कर लिया। हमें क्या फाइंड करना था, टी 32। तो दे आर फॉर टी 32 इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट 32 - 1 ब्रैकेट क्लोज इन टू डी। तो दे आर फॉर टी 32 इक्वल टू ए प्लस 32 - d 32 - 1 इन ब्रैकेट क्लोज डी। तो देयर फॉर टी 32 इक्वल टू ए का वैल्यू पुट किया 7 प्लस 32 - 1 31, डी का वैल्यू पुट किया 5, तो 31 इंटू 5। तो देयर फॉर टी 32 इक्वल टू 7 प्लस 155। तो देयर फॉर t32 इक्वल टू 162। फिर हमें उसका जनरल टर्म एन टर्म निकालना था। तो tn इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n - 1 इंटू डी इक्वल टू a, a यहाँ पर प्लस, तो a का वैल्यू पुट किया तो 7 प्लस इन ब्रैकेट n - 1 इंटू 5 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर ली हमारे पास आया तो 5 5 n + 2। तो हेंस t32 इक्वल टू 162 एंड tn मीन्स tn इक्वल टू 5 n + 2।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर वन मींस एग्जांपल नंबर वन हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। एग्जांपल नंबर टू हम लोग लेते हैं, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवेंथ टर्म इज माइनस वन एंड सिक्सटींथ टर्म इज 17। ओके, तो हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। लेट द एपी बी ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन। ओके, इट इज गिवेन दैट टी सेवन इक्वल टू माइनस वन एंड टी सिक्सटीन इक्वल टू 17। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिए हैं, हमने टी सेवन निकाला। तो टी सेवन ए प्लस एन माइनस वन होता है, तो एन की जगह सेवन माइनस वन ब्रेकेट क्लोज इंटू डी इक्वल टू माइनस सेवन एंड टी सिक्सटीन। तो ए प्लस इन ब्रेकेट सिक्सटीन माइनस वन मीन्स एन माइनस वन होता है, तो एन की जगह सिक्सटीन पुट किया, सिक्सटीन माइनस वन ब्रेकेट क्लोज इंटू डी इक्वल टू 17। तो दिस इंप्लाई ए प्लस सिक्स डी, यहाँ से ए प्लस सिक्स डी माइनस वन इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ से ए प्लस फिफ्टीन डी इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड डी निकाल लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, तो ए प्लस फिफ्टीन डी इक्वल टू 7 और ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू माइनस वन। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस, यहाँ प्लस के साइन है तो माइनस, यहाँ प्लस के साइन था तो माइनस, यहाँ यहाँ माइनस के साइन है तो प्लस हो गया। तो हमारे पास हो गया, ये कैंसिल हो गया, जीरो प्लस प्लस फिफ्टीन डी माइनस सिक्स डी इक्वल टू 9d। तो जीरो प्लस 9d इक्वल टू 17 और प्लस वन 18। तो दिस इंप्लाई 9d इक्वल टू 18। तो देयरफॉर d इक्वल टू 19 अपॉन 9, तो सॉरी देयरफॉर d इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो देयरफॉर d इक्वल टू 2। ओके, फिर हमने d निकाल लिया 2, तो अब a निकाल लेते हैं। तो पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो दिस इंप्लाई a प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1, तो दिस सिंपली ए प्लस 12 इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस 1 माइनस 12, तो देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस 13। नाउ जनरल टर्म मीन्स टी एन, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 13 प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास आया 2n माइनस 15, ये हमारा जनरल टर्म टी एन निकल गया 2n माइनस 15। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर टू एक्सप्लेन कर दिए, और ये सब जो मैंने n टर्म ऑफ एपी सिखाया हूँ उसी एक ही अभी फॉर्मूला से हमने सॉल्व कर रहा हूँ, टी एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू टी। उसी से अभी तक हम लोग मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 22 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। इफ 5 टाइम द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म सो दैट इट 13th टर्म इज 0। ओके, तो इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है, लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री डॉट डॉट ए एन बी एन ए पी विथ इट्स फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इट इज गिवेन दैट फाइव टी फाइव इक्वल टू 880। यहाँ दिया है कि 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स 8 टर्म, तो ये लिखा गया है 5 टी फाइव इक्वल टू 8 t8। ओके, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा, करली ब्रैकेट इस लगाए क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर एक हमने सिंपल ब्रैकेट लगाया, तो 5 इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 होता तो n के जगह 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d इक्वल टू 8, करली ब्रैकेट यहाँ भी लगाया हूँ, a प्लस n माइनस 1 होता है तो n माइनस 1
वन, तो 8 माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी आएगा, डी और कर्ली ब्रेकेट क्लोज हो गया। इसको सॉल्व किए तो दिस इम्प्लाई 5a+4d, यहाँ से 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 8, ए इन ब्रेकेट 8 प्लस 8 माइनस 1 7, तो 8+7d ब्रेकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट यहां से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां से ब्रैकेट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट और हियर 8 का मल्टीप्लाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ब्रैकेट, तो दिस इंप्लाई 5a+20d इक्वल टू 8a+56d। तो दिस इंप्लाई लाइक टर्म को अरेंज कर दिए तो हमारे पास 3a+36d इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई 3 कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ गया 3 बाहर आया इन इन साइड ऑफ ब्रैकेट a+12d इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई a+12d इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई a+12d को हम लिख सकते हैं, a+12 को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी इक्वल टू 0, तो इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस इन ब्रैकेट 13 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम टी थर्टीन टर्म बोल सकते हैं, तो दिस इंप्लाई T13 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था कि सो दैट इट्स थर्टींथ टर्म इज 0, जो 13th टर्म कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन, मींस फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था, फिर मैंने सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन किया, थर्ड एग्जांपल ये वाले कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन किए। तो हमने देखा कि अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसलिए हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक बन सकते हैं और जितने टाइप के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे क्वेश्चन ले चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, जो कि वीडियो के अंदर ही होमवर्क आजकल मैं दे रहा हूँ, और वो जो आप होमवर्क देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है आप होमवर्क करके मुझे सेंड करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए मैं आज आपको होमवर्क भी दिया हूँ, होमवर्क 15/5/2020 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप ये 4 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे। तो ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। और हमें लग रहा है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि आप होमवर्क मुझे सेंड कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहता है। मैं हर स्टूडेंट के होमवर्क को इंडिविजुअल चेक करता रहता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर है। ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।